टाइगर के रक्षक। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था लियो? कैसे हमारा टाइगर इतना बड़ा और सुंदर है? तुम सही कह रहे हो टिक, मैं सोच रहा था ऐसे और भी देश जरूर होंगे। बिल्कुल है बच्चों। पापा पांडिगा, आप हमें उन दूसरे देशों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह, ये तो बहुत मजेदार है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बर्फबारी नहीं होती। हाँ, सही कहा। इसके बाद आप हमें ये बताएंगे कि धारीदार हिरण भी वहाँ रहते हैं। रहते तो हैं, पर वो हिरण नहीं है, वो घोड़े हैं। अब ये सुनो, उस जगह को कहते हैं अफ्रीका। वो पूरी तरह चमत्कारी जानवरों से भरा हुआ है। एक जानवर जिसकी नाक की जगह उसका पैर है, एक दांतेदार छिपकली जो एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े जितनी होती है, एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से के पत्ते भी तोड़कर खा सकता है। दिखने में वो हमसे अलग जरूर है, पर वो हम जैसे ही है। हमारी ही तरह वो लोग भी दोस्त हैं, और वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, और फिर ऐसी मुसीबतों में उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अफ्रीका में खास हीरोज की टीम है। उन्हें कहते हैं रखवाले। जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ये रखवाले पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वाह, रखवाला होना कितना अच्छा होता होगा ना? काश मैं भी वहाँ होता। क्या कहते हैं उसे, अफ्रीका। मैं भी रखवाला बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं अफ्रीका की जरूरत नहीं। चलो अपनी टीम बनाते हैं, यहीं पर टाइगा में। वाओ लियो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लियो और टेग, टाइगा के रखवाले। नहीं टेग, रखवाला किसी और का नाम है। हमें अपने आप को कुछ और बुलाना चाहिए, ऐसा जो टाइगा के लिए हो। तो ये कैसा रहेगा, टाइगा के रक्षक? हाँ, बहुत बढ़िया, टाइगर के रक्षक मदद के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, उन्हें देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। टाइगर के रक्षक, ये बहुत फनी है। बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी तुम हार जाओगे, तुम बस खुद का मजाक बनाने वाले हो। वैसे भी तुम लोग हारोगे। लियो, तो सबसे पहले हम किसकी मदद करेंगे? हाँ, ये लो मीला। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ दोस्त नहीं है मीला, हम है टाइगर के रक्षक। ये सबको बता दो। आओ टेक, चलो देखते हैं किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। धन्यवाद मेरे बच्चों। ये हमारा फर्ज है मिस्टर स्नेक, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हम है टाइगर के रक्षक। उनकी तरफ देखो, हाँ? जल्दी ही सब इन प्रकार के रक्षकों के बारे में जान जाएंगे। चलो अपन, चलो उन पे अपन लोग ये कौन फेंक के मारते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। आओ आओ भाई। बढ़िया। हेलो बीवर भाई, आपको कोई मदद चाहिए आपकी बीवर नदी पर? ना, जरूरत नहीं है, धन्यवाद, हम सब संभाल लेंगे। सब ठीक है, समझे? तो ठीक है टाइगर के रक्षको, अगर हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं तो हम यहाँ से चलते हैं। तुम टाइगर के रक्षक हो तो चलो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ रख दो प्लीज। थोड़ा आराम से है? अलार्म सुनो, लीकेज हो गई है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो।
तो तुम हो टाइगर के रक्षक? जी हाँ, और कौन होगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। कुछ कीड़ों ने हमारे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है। हमें हमारे घर जाने से डर लग रहा है। हमारी मदद करो प्लीज। ये तो बहुत आसान है, हम लोग उन्हें हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गई। लियो, ये कितना अच्छा है ना कि अब हम टाइगर के रक्षक हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा टाइगर आपकी इज्जत करता हो। ऐसे ही। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसे तुम्हारे बेल तक पहुंचा देंगे। हम हैं टाइगर के रक्षक। हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बीवर्स और स्क्विरल्स, उन्होंने बताया कि रक्षक कुछ नहीं बल्कि मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हमने गिलहरी की मदद की थी? जेक, शायद मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। स्पाइक, तुम उधर क्या कर रहे हो? मैं जाल बिछा रहा हूँ। वो दोनों ही रक्षक यहाँ से जल्दी ही गुजरेंगे और मेरे पास उनके लिए सरप्राइज है। स्पाइक, चुप हो जाओ। मैंने सचमुच ये कर दिखाया। अब टाइगर के रक्षक के नाम से सब डर कर भाग जाएंगे। मैं जानता था तुम पुरानी तरकीबों से बाज नहीं आओगे और तुम इसके लिए पछताओगे, धोखेबाज कहीं के। तो लगी शर्त कि तुम नहीं पकड़ पाओगे। हमें उन्हें कैसे भी जाल की तरफ ले जाना होगा। हे, तुम धागों वाले रक्षक, तुम्हें टाइगर के भले के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत हुआ, मैं तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तुम अपने जाल में खुद फंस गए। हे रक्षक, तुम यहाँ हो, प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज, ये मदद करना बिल्कुल नहीं, यही पड़े रहो और सोचो कि तुमने क्या किया। हे, तुम नहीं जा सकते, प्लीज मत जाओ, वापस आओ। ओह मापा, आपको देख के अच्छा लगा। हम हैं टाइगर के रक्षक, हीरोज। आप हमें बता सकते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए किसी की मदद करने? मुझे नहीं पता बच्चों। शायद टाइगर की आत्मा बता सकती है, वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। वो कैसे बता सकता है? वो तो बात भी नहीं करता। बेशक वो तुमसे बात करता है इशारों में, बस तुम्हें उन्हें देखना और सीखना होगा। लगता है किसी को हमारी जरूरत है। थैंक यू मापा पंडिगा। टाइगर के रक्षक तुम्हें बचाने आ रहे हैं। हमारी मदद करो, यहाँ है। किसे मदद की जरूरत है? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, समझे? वरना हम नहीं सुन पाएंगे कि किसे हमारी मदद चाहिए। वो देखो, मदद उन्हें ही चाहिए। कौन? मार्टिन्स? पर उन्होंने ही ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया था और अब हमें इन्हें बचाना होगा। हाँ, हम अच्छा काम करना चाहते हैं और ये सबको चोट पहुँचाते हैं। किसी को मुसीबत में छोड़ना ये अच्छा काम नहीं है। नहीं, हीरोज को ये कभी नहीं करना चाहिए। स्पाइक, तुम लियो और टिक के रास्ते में क्यों आए? क्योंकि सभी लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बहुत दयालु हैं। कि ये लोग दयालु हैं, हमें भी तारीफ चाहिए। मैं समझ गया। लियो, टिक, तुम स्पाइक और उसके भाइयों को अपने दल में शामिल क्यों नहीं कर लेते?
वैसे मुझे नहीं पता। प्लीज हमें शामिल कर लो और हम अब अच्छा बर्ताव करेंगे। हम वादा करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, पर तभी जब हम तुम पे नजर रख सके। बात खूब बच्चों। तो फिर टाइगा के रक्षक चलो करते हैं। अच्छे काम खुद ब खुद नहीं होते। ये टाइगा की आत्मा कहती है। सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिगा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टेक, चलो चले देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है, आओ चलो ना। क्या सोच रहे हो? देखो देखो मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ जरूर घूम कर आते हैं, पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है रात हो जाएगी। गया, ठीक है ठीक है, यही तो था। ओ, मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही कमजोर और डरपोक था और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा। लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिगा, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहाँ सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टैगा के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है, मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चले। सूरज की चादर। शुक्रिया मापा पंडिका। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिका ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुनो टेक, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टेक, अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो, हाँ ऐसे, हाँ
बहुत बढ़िया। नीचे मत देखो, मुझे देखो। हो गया, ठीक है, बस ऐसे। रुको, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। लियो, लियो हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए। पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। आप बहुत हुआ, मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो शाम को, और रास्ता जगमगा उठेगा। सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है, मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है, अरे वाह। बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया, ये तो कमाल हो गया, सारा रास्ता जगमगा रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है तो हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुँच गए, हमें इस रास्ते से जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, देखो 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 वो सूरज डूबने वाला है, जल्दी करो, भागो, तेज और तेज, मेरे साथ भागो। भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो, वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो, वो वहीं होगी, मापा ने कहा था। सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो, भागो, चलो चलो हमें वहाँ पहुँचना है, चट्टान करीब है। वाओ, हम पहुँच गए, हमने कर दिखाया, आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की? मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ वहाँ देखो, चट्टानी पंजा, वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर, मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में। तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? तो टेक तुम। सुनो तुम, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। घर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हम तुम्हारी मदद करते हैं। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है, वो तुम्हें छोड़ गया। लियो, हाथ पकड़ो।
गंदा हो गया। देख, तो ये तुम हो? वो कहाँ गया? दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टेक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं, तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है? कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही होंगी। अरे, इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू अरे है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है, वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं। तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। The Eagle Rock। बस बस टेक, तुम जीत गए। चलो अब हटो मेरे ऊपर से, मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टेक है सबसे ताकतवर। टेक है टेगा जंगल का राजा। अरे मापा पंडिका, आप कैसे हैं? मापा पंडिका, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टेगा का राजा, और टेक बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा? मैंने तो ये नहीं सुना, इसके बारे में और बताइए मापा पंडिका, प्लीज बताइए ना मापा पंडिका। बहुत समय की बात है, उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था। ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु तुष्ट गिद्ध को यह गवारा ना हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा। हमें एक मुकाबला करना होगा, जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए, और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए, तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडिका, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ है? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हो। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टेक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है, ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टेक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है, सुनो लियो। लियो, टेक, वो गिर सकते हैं। उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में दौड़ना शुरू, कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा।
हाँ हाँ जरूर उड़ोगे, आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये देखो तोड़ना शुरू। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है, बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है, पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या? चुप करो टेक, अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाए तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं बल्कि इस आसमान के भी राजा बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा, मेरे लिए टैगा ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया, गिर रहा है। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे ताकि टेग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी है, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज किद आ रहे हैं? उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर दोबारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए किद हैं। अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर है और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ हैं यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे, नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। ठीक है दादा, हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। माए, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं, बस हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं, वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है, यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो कितनी दूर रह गए हैं वो। तीन, दो, एक, चलो। सो बुढ़े, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं, नीचे की तरफ चलो जल्दी। मजा आ गया।
चुका हूँ। हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टीक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टेक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया। तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा। राजा कौन? टेक। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। हाँ, जरूर आना, और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टेक, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फानी खेले? तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती है। टाइगा की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो, शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। अच्छा, इस तरफ। और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा, क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए, और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टेग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे। पर एक दिन टाइगा पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी, और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी, और वो भूख से तड़पने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टैगा की रूह को जानवरों पर दया आने लगी, और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मापा, चलो फ्लास ढूंढने चलते हैं। और अब मेरी बारी है। ठीक है मिला। जेक, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगा की आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं टेक, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो मुझ में तो नहीं गया? वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यही कहीं होगा। टेक, हमें उसे ढूंढना होगा। क्यूबा, हेलो क्यूबा,
तुम कहाँ हो? टिग, ऐसे चिल्लाना बंद करो। ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टिग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा। अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो ये बताओ, क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में ये देखो इस फल की जैसी। लो इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टेक। तुम बदमाशी नहीं करते तो क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे टेक। क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह समझ गया, तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है। लियो मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। ठीक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब नेवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ हाँ मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है लियो। आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टेग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा कमोन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चले चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा, अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो ये तो असली वाला है। इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा और अब यह हमें खा जाएगा। देख जल्दी। चलो ठीक। यहाँ पर तो दलदल है, हम और आगे नहीं जा सकते। चलो वहाँ छिपते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो ध्यान ना दे। अब कहाँ छुपोगे बच्चों, मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है। मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना, एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों,
मैं आया, आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुंच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बना कर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए, वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। जी, इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था, और क्यूबा नहीं। सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा। लो सूंघो इसे, कमाल है ना? मापा, ये मेंढक जैसा महक रहा है। सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूंगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है। दोस्तों तुम देखना, मैं कर लूंगा, मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए, ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टेग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला, वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो इसमें से क्या निकलेगा, कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो टेक, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। सोच रही थी कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है। हाँ, नन्हा सा मासूम। देखो लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, डर तो तुम गए थे। बिला भागो, देखो गिल। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तो जुड़ी हुई हैं। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओ बेचारा कछुआ,
हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, रखेंगे ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाग बनाऊंगा। बाग ही क्यों हाँ, ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाग टैगा का राजा है। हमारे साथ राजा है, बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाग से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं, पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथ टब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ खुद तुम हो मेरे प्यारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो, और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टेक, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, तो अभी तक बाघ नहीं बना है, बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा। बाघ तेंदुआ, दोस्तों क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों ये टी कहाँ है? यूहू, बेबी टी। टी कहाँ चले गए तुम? बेबी टी कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, अलग अलग जाना होगा। टेक तुम बाएं जाओ और मीला तुम दाएं तरफ जाओ, और मैं सीधा जाता हूँ। यूहू, बेबी टी कहाँ चले गए तुम? ओ मीला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओ माँ पापांजी का, हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी, पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या, पर कहाँ? सुनो मैं बताता हूँ, बहुत समय पहले की बात है, कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया, तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां, और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर, ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। ए दोस्तों मेरी बात सुनो, मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि वो, हाँ वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों गिद्ध का क्या? हुँ? हुँ?
मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। ए तुम, हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी जी से दूर रखो। मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद है। Come on, टी, भागो वहाँ से। हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी टी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें, अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया। नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है। माँ, जरा देखो तो, ये एक बुजुर्ग कछुआ है। बाय बाय। जाओ टी, ये तुम्हारा परिवार है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत कमाल के बाघ हो। और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना।